खैर तो 5-10 मिनट और लगेंगे। तो ये हॉवर्ड वगैरह में भी, MIT में भी कहीं ये चीज़ कवर नहीं होती। अच्छा, मे बी वो शायद स्कूल में कवर करवा देते हैं, क्योंकि MIT के, हॉवर्ड के, इसके तो अभी पब्लिक हो गए ना लेक्चर, यूट्यूब पे आ जाते हैं, लेकिन स्कूल में जो लेक्चर होता है ना उनका, वो नहीं मैंने देखा कभी कि वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं। और स्कूल में उनकी वो अलाउ भी नहीं करते, कोई अगर टीम आए ना रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ को, वो अलाउ नहीं करते कि स्कूल के अंदर क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करने देते वो, इसलिए कि बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, पता नहीं वो बन जाने उनके लंबे। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ऑन अदर एंड जो अब तो कोविड क्या, बल्कि जब से कोर्सेरा वगैरह और ये यूडेमी आया ना, तो उनको लगा कि यार अब हमें देखेगा कौन, हमारे पास एडमिशन कौन लेगा, तो उन्होंने सब ना पब्लिक करना शुरू कर दिया, उनकी वेबसाइट पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सब जगह है। तो वो मैंने देखे हैं लेक्चर सारे उनके कंप्यूटर साइंस के, तो उसमें तो ये चीज़ें कहीं कवर नहीं करते वो, ये वाली वो डायरेक्ट वेरिएबल पढ़ाते हैं और आगे चलते हैं उससे। वेल, तो लास्ट क्लास में फिर हमने यहाँ तक कर लिया था कि नंबर इसमें कैसे सेव होगा, और फिर आपने ये भी डिस्कवर कर लिया कि अच्छा पॉइंट वाले नंबर कैसे सेव होंगे, नेगेटिव कैसे होंगे। अब मुझे कौन ये सोच के बताएगा कि भाई अगर मुझे इसके अंदर, अभी कंप्यूटर ईजाद अभी तक हुए नहीं है, अभी मेरे पास 10 बिस्किट लगी हुई है मेरे बेडरूम में, उस पर मैं कुछ एक को ऑन एक को ऑफ कर सकता हूँ, मैं ये ऑप्शन है मेरे पास, मैंने उस पर नंबर सेव करवा लिया है कि कितनी डबल रोटी फ्रिज में, वहाँ पर वो नंबर एक होगा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर कितने मेरे पास मक्खन के पैकेट कितने पड़े हैं, उसके लिए एक दूसरा वो होगा पूरा, यानी 10 बिस्किटें दूसरे वाल पे लगी हुई है मेरे, जो मुझे बता रही है नंबर के इस वक्त डबल रोटी मक्खन कितने डब्बे पड़े हैं। फिर मेरे पास पेट्रोल कितने लीटर पड़ा हुआ है, वो एक तीसरी वॉल पे, एक 10 बिस्किटें अलग से लगी हुई हैं, वो मुझे तीसरे वॉल पे बता रही हैं कि पेट्रोल कितने लीटर पड़ा हुआ है गैराज में रिजर्व। तो ठीक है, तीन अलग अलग ये वेरिएबल्स हैं आपके पास, और तीन अलग अलग वो पूरा सेट है, तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर जो है ना टेक्स्ट सेव करवाना है, नंबर तो करवा लिया मैंने, अब ज़रा दिमाग पे जोर डालो, सोचो कि टेक्स्ट वैल्यू कैसे सेव होगी। मैं अपना नाम, मैं चाहता हूँ मलिक, उसमें मैं लिख के सेव करूँ, ये कैसे होगा। एस्की कोड नहीं, मतलब एस्की कोड तो सही है, मैं अभी मैं करूं क्या, हेक्साडेसिमल क्या, नहीं समझा मैं आपकी बात, खड़े होकर बताओ, जोर से बताओ, क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात की आपने, ये कहा कि ABCD जो पूरी है हर लेटर को एक नंबर असाइन कर दूं मैं, अच्छा पहले से होता है, नहीं अभी तो कंप्यूटर बने ही नहीं है ना, अभी मैं हूँ जो बना रहा हूँ कंप्यूटर अभी हम वो टीम है जो कंप्यूटर बना रहे हैं, तो हमें अब मशवरा देना है एक दूसरे को, तो मशवरा ये है कि हर लेटर को मैं एक नंबर दे दूँ, ठीक है, और वो नंबर मैं सेव करा दूँ बाइनरी में, एज्यूम कर लूँ कि अच्छा ये वो लेटर है, बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने। अच्छा, वो जो चार्ट पहला बना था, बैठ, ये जो पहला चार्ट बना था ना कि यार हर अल्फ़ाबेट को, हर लेटर को ABCD से लेकर Z तक पूरा एक नंबर असाइन कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड ASCII, जो आपने जिक्र किया, क्या नाम है दोस्त आपका, उस्मान हम्माद भाई ने जो जिक्र किया ASCII, तो वो पहला जो चार्ट बना था ना ये, उसका इन्होंने नाम रखा था ASCII। थोड़ा सा माइक हमारा माजूर है, नीचे आ जा रहा है अच्छा, तो ASCII ज़रा दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसा है। चलते हैं जी, कहीं हम ASCII ढूंढ रहे हैं, ये है वो ASCII का चार्ट, सही है, इसमें जो कैरेक्टर A है, ये देखो ये तीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, ठीक है, जो कैपिटल लेटर का जो A है उसको नंबर असाइन किया गया है 65, और जाहिर है फिर 65 का बाइनरी भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं हम इजली। B को है 66, C है 67, ऐसे पूरा आगे तक गया हुआ है, ये 90 पे ख़त्म है कैपिटल लेटर की ABCD, फिर स्मॉल शुरू है 97 से, ठीक है, बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, फिर 97 से ये स्मॉल लेटर का ये शुरू हुआ,
फिर ये 122 तक गया, ये आ गया 122, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ज़ाहिर है टेक्स्ट के अंदर बीच में गिनती भी तो आती है ना, गिनती भी टेक्स्ट में हो सकती है, तो वो भी 0 से लेके 10 तक वो भी मौजूद है। स्पेशल कैरेक्टर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एम परसेंट डॉट डैश, जितने स्पेशल कैरेक्टर यूजुअली इस्तेमाल होते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये देखें आप, इक्वल टू ग्रेट एंगल ब्रैकेट एट द रेट, ये सब इसमें मौजूद है एस्की में। अच्छा, अब ज़रा ये गौर करें कि इस एस्की के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 127, ठीक है। ये पहला चार्ट बनाया था। अच्छा, ये एस्की का एब्रीवेशन होता है गालबन अमेरिकन स्टैंडर्ड, पता नहीं कम्युनिकेशन इंटरचेंज करके कुछ होता है नाम, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अच्छा, तो इन्होंने जो पहला चार्ट बनाया था दैट वाज 127 कैरेक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, अभी अपडेट करेंगे इसको थोड़ी देर में हम, ठीक है, अपडेट करके थोड़ी देर में हम यूनिकोड और UTF-8 बनाएंगे, सही है। अभी तो ये ASCII चल रहा है हमारे पास। तो अब मैंने अगर मलिक लिखना है तो M का इसमें देखते हैं क्या है भाई, कैपिटल M से मुझे 77, ठीक है। तो एक बाइट पूरा, एक सेट पूरा मुझे M के लिए चाहिए, ठीक है, 8 byte, या सॉरी 8 bit, 8 bit का 1 byte होता है ना, जो 8 biscuit है मुझे वो एक M के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने जिक्र किया था वो 8 के सेट में मिलते हैं, उससे कम मिलते नहीं हैं, ठीक है। 8 मिलेंगे, 16 मिलेंगे, 32, ऐसे सेट में मिलते हैं वो। एक M हो गया मेरा। अब A का क्या है, A का है भाई 97। अब एक दूसरा मुझे पूरा सेट चाहिए, दूसरा बाइट चाहिए मुझे, ठीक है। अभी 16 bit हो गए, एम का एक और ये 16 bit हो गए, या 2 byte कह लो इसको आप। अच्छा, फिर एल के लिए भी इसी तरह 105, ठीक है, फिर K के लिए भी इसी तरह। तो M A L I K 5 byte में मैं 5 characters मैंने सेव कर दिया। तो हमें से एक तो बात ये पता चली कि कैरेक्टर्स को सेव करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। मतलब नंबर्स को तो सेव करना आसान है कि भाई एक में 512 तक आ जाते हैं, फिर अगर दो कर दो तो वो 65,000 तक चले जाते हैं। मतलब अगर 5 byte होते मेरे पास और नंबर सेव करना होता तो बहुत बड़े बड़े नंबर भी मैं सेव कर लेता इसमें, ठीक है। वेल, तो 5 byte में मैं अपना नाम मैं लिख पा रहा हूँ। अब मुझे अगर पूरा पैराग्राफ लिखना है तो बाइट लेता चला जाऊँगा, पैराग्राफ पूरा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी लग रहा होगा कि यार ये तो पूरे पैराग्राफ में बहुत बाइट हो जाएंगे, ये तो बहुत सारे बाइट हो जाएंगे। तो मेमोरी कंप्यूटर में कितनी होती है नॉर्मली हमारे, 8 GB नॉर्मली। आजकल मोबाइल फ़ोन में भी 8 GB तक आते हैं, 8 GB तक मोबाइल फ़ोन में भी अब आने लगे हैं। बाय द वे, आजकल जो मोबाइल फ़ोन अब आ रहे हैं ना, जो चाइनीज़ वेंडर्स हैं 20-25 हज़ार वाले जो डब्बा पैक हैं, वो उसके अंदर इतनी कंप्यूटिंग पावर होती है जो आज से 10, यानी मेरे बचपन में, मैंने जब आँख खोली थी तो मैंने पहला कंप्यूटर देखा था पेंटियम थ्री मैंने देखा था, मतलब उस वक्त वो लेटेस्ट था। पेंटियम टू जो उस ज़माने में वो पुराना हो चुका था, पेंटियम थ्री लोगों के पास होता था नॉर्मली, और जो अफोर्ड कर सकते थे पेंटियम फोर होता था। तो इस ज़माने में मैंने होश संभाला था। तो पेंटियम थ्री में 128 MB की रैम इस्तेमाल होती थी, मैंने खुद कंप्यूटर इस्तेमाल किया 128 MB का, और 10 GB की हार्ड ड्राइव होती थी उसमें 10 GB की हार्ड ड्राइव होती थी, सही है। और मॉनिटर तो वो होते थे जो 800x600 pixel वाले, तो हर एस्पेक्ट से ना 800x600 की स्क्रीन तो नहीं होती ना किसी फ़ोन में, लेगा ही नहीं कोई इतना अगर इस रेजोल्यूशन में दे दिया तो। कम से कम 1080p का फ़ोन होता है आजकल, और LCD डिस्प्ले होता है, और स्लिम होता है, छोटा सा होता है, तो वो इतना भारी होता था कि दो बंदे चाहिए होते थे, एक मॉनिटर पकड़ेगा भारी 10 kilo का मॉनिटर होता था ट्यूब वाला, और दूसरा बने पकड़ेगा CPU और माउस वगैरह, वो भी गिराता पड़ाता जाएगा अभी वो जेब में डला हुआ है, हर किसी के जेब में पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, पता ही नहीं चल रहा। विंडो CD में आती थी, जो CD का साइज़ होता था वो 500 MB या 700 MB का साइज़ होता था CD का, तो एक CD में होती थी विंडोज़, उसमें भी शायद आधी फुल होती थी, तो 400-500 MB है। अभी विंडोज़ XP का लिखेंगे ना कि विंडोज़ XP चलती थी उस वक्त, विंडोज़ XP ISO साइज़, तो ये 400-500 MB की होती थी कुछ,
561 MB की है अभी राइट नाउ, अगर अभी आप डाउनलोड करेंगे तो 561 MB। अब तो जो नई वाली विंडोज़ 10 आई है वो 4 GB से ऊपर की है उसका साइज़, तो इसी वजह से वो अब नॉर्मल USB में बन ही नहीं सकती है, वो उन्हीं का टूल है उसी से बनती है वो, क्योंकि नॉर्मली USB फैट फॉर्मेट में चलती है ना, तो फैट फॉर्मेट की एक लिमिटेशन होती है कि सिंगल फाइल 4 GB से ऊपर की आप सेव नहीं कर सकते USB में, सही है। मल्टीपल फाइल हो वो खैर है उसकी, लेकिन सिंगल फाइल अगर 4 GB से ज़्यादा की है ना तो वो फैट में सेव नहीं होती, तो इसलिए वो अभी जितने सॉफ्टवेयर थे ना सब फेल हो रहे हैं। उनका एक अपना ही है वो विंडो मीडिया क्रिएशन टूल, उसी से ही क्रिएट हो रहा है, पता नहीं क्या करते हैं वो इंटरनली, शायद कोई उन्होंने अपना नया फॉर्मेट बना दिया। मैक पे भी नहीं बन रहा, पहले मैक से बन जाता था, लेकिन क्योंकि अब मैक पे वो फैट की वजह से वो डालते हैं वो जाता ही नहीं है, कहता है एरर कि 4 GB से ऊपर अलाउ नहीं है, फैट जो है ना फाइल सिस्टम उसकी लिमिटेशन है ये। वेल तो मैंने अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि 8 GB हमारे पास नॉर्मली रैम होती है, लेकिन चलो 128 MB भी अगर है तो MB का मतलब क्या है, मेगा बाइट। एक मेगा बाइट कितने किलो बाइट का होता है, 1024 KB का एक मेगा बाइट होता है। फिर एक किलो बाइट कितने बाइट का होता है, 1024 बाइट का होता है। तो अगर मैंने एक ऐसे लिखा है जो 1000 कैरेक्टर का है, ठीक है, तो वो 1000 बाइट होगा, 1000 बाइट टू KB, तो 1 KB का बनेगा। 1 KB तो कोई साइज़ नहीं होता फाइल का। अगर 500 कैरेक्टर का मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको मैं डिस्क में सेव करना चाहता हूँ या वेरिएबल में सेव करना चाहता हूँ, तो वो वेरिएबल 1 KB का बनेगा, नॉट अ बिग डील, सही है। तो कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है आजकल की रिसोर्सेज के हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब एक मसला आ गया, मसला ये आया कि यार इसमें तो 127 कैरेक्टर हैं, फिर उसमें बहुत सारे सिंबल जो है बाद में जिसकी ज़रूरत पड़ने लगी वो है ही नहीं इसमें, इसमें फिर उर्दू के कैरेक्टर्स नहीं है, अरबी के नहीं है, चाइनीज़ जैपनीज़ कोरियन इतनी हज़ारों लैंग्वेज हैं, इसमें तो कोई भी नहीं है क्या, सिर्फ इंग्लिश में होगी क्या प्रोग्रामिंग, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ इंग्लिश में चलेगा क्या, दुनिया की हर ज़ुबान में चलेगा, दुनिया की हर ज़ुबान के मुख्तलिफ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो इंग्लिश में है ही नहीं। जैसे अरबी के अंदर या उर्दू के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंग्लिश में नहीं है, उर्दू का भी टेस्ट हो गया आज तुम लोगों के, उर्दू के अंदर कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो MS वर्ड में हमें यूज़ करना पड़ता है हमें, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ, हिजरी का वो होता है एक ऐसे यूँ नीचे लगा हुआ आता है, वो स्पेशल कैरेक्टर ही है असल में, कोई उसका नाम तो नहीं है कोई। इसी तरह रहमतुल्लाह अलैह जो लिखते हैं हम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स में काउंट होता है, ठीक है, वो उसका कोई नाम तो नहीं है, जैसे कहो अलिफ बे उसका कोई नाम थोड़ी है, वो स्पेशल कैरेक्टर है असल में, तो वो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो अरबी के अंदर एक गोल वो बनाते हैं जो कुरान में बीच में आयत के लिए होता है, वो स्पेशल कैरेक्टर है असल में, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है। फिर उर्दू में तो बेतहाशा हैं इस तरह के बहुत सारे हैं, जो अगर उर्दू की बुक्स वगैरह कोई पढ़ता है तो उसमें वो देखते रहते होंगे आप, मुख्तलिफ चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए उसके सिम्बल्स होते हैं। अब क्या करें भाई, अब इसका हल बताओ, हाँ प्रोग्रामिंग छोड़ दें, अब क्या करें भाई इसका हल, नया चार्ट बनेगा ये वाला, ASCII इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि इसको अभी इस लेवल पे इस्तेमाल किया जाए, तो ASCII में मज़ीद चीज़ों को ऐड किया, ज़ाहिर है 127 है ना ये, तो 127 से आगे कोई लिमिट है, मना कर रहा है क्या, कोई और ऐड कर देंगे हम, तो एक नया चार्ट तैयार किया गया जिसका कोई नाम रखा गया होगा, फिर उसके बाद और नया, फिर उसके बाद और नया, जो अभी सबसे जो बड़ा चार्ट है दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छा बाय द वे, इस चार्ट, ये चार्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, इसका एक टेक्निकल नाम है, दैट इज़ कैरेक्टर सेट। आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है 4 सेट लिखा होता है ना, वो यही होता है, तो कैरेक्टर सेट इसका नाम है। तो कैरेक्टर सेट नया बना लिया और नया बना लिया, तो अभी जो सबसे बड़ा कैरेक्टर सेट है वो यूनिकोड 2.0 है। यूनिकोड में भी 1 आया था, उसमें थोड़े कम थे कैरेक्टर, फिर वो हर साल असल में उसको अपडेट करते हैं वो यूनिकोड को ना, हर साल
दो पूरी दुनिया के अंदर जो लैंग्वेजेस में नए कैरेक्टर ऐड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ऐड किए जा रहे हैं, तो वो उसमें इमोजीज उसके अंदर सारी मौजूद हैं। इमोजी आज से शायद 10 साल पहले इमोजी का कोई यानी तसव्वुर नहीं था। फिर इमोजी में भी वो एक गूगल वालों ने वो बनाया बेयर का इमोजी, तो वो बेयर था आधा गिलास और ऊपर से वो झाग निकल रहा था ना, यार ये क्या है, इसको अपडेट करो, तो वो अपडेट हुआ। फिर सही है, दिन ब दिन नए नए इमोजीज उसमें ऐड किए जा रहे हैं। वायरस वायरस के भी इमोजी अभी आ गए हैं कोविड के बाद, ये ग्रीन कलर का ऐसे कोरोना वायरस तो ये जो चीज़ें रोज़ रोज़ ऐड हो रही है ना, ये एक नया कैरेक्टर सेट बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकोड 2.0। अच्छा, यूनिकोड 2.0 में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? टोटल टोटल कैरेक्टर्स इन यूनिकोड 144,000 कैरेक्टर हैं। तो इसको मुझे सेव करवाने के लिए, एक कैरेक्टर को सेव कराने के लिए कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? 8 में तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो थे 127। अगर 512 तक होता, या 500 जो भी था 256 तक होता, वन बिट में जो कितना आता है 128 ना, 128 हाँ, तो 255 तक अगर होता ना ये, तो एक कैरेक्टर के लिए मुझे एक बाइट चाहिए होता, उसमें हो जाता। लेकिन अब तो ये और भी है, ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बिल्कुल लास्ट वाला कैरेक्टर सेव कराना चाह रहा है, बिल्कुल लास्ट वाला, यानी उर्दू का फुल स्टॉप बिल्कुल लास्ट में, मिसाल के तौर पे वो अगर कोई सेव कराना चाह रहा है, तो 144,000 उसको बाइनरी मिलेगा। अब 144,000 जो बाइनरी बना है वो कितने में सेव होगा? 2 बाइट तक जाता है ये 65,000, सही है। तो एटलीस्ट मुझे मेरे ख्याल 4 बाइट चाहिए होंगे। तो एक कैरेक्टर के लिए 4 बाइट चाहिए होता है यूनिकोड में। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट कौन से वाले को इस्तेमाल करता है? जावास्क्रिप्ट का दरमियानी लहजा है। अच्छा, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दरमियानी इस्तेमाल होता है, यूनिकोड ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल नहीं होता फिलहाल। ये व्हाट्सएप वगैरह ये जो है ना, इनके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें इस तरह के रिच चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रोग्रामिंग में तो चीज़ें जो चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उसके लिए है जावा स्क्रिप्ट 4 सेट, सही है। वो है UTF-16, यार क्यों नहीं आ रहा, जावा स्क्रिप्ट, अच्छा सजेशन में ही आ रहा है UTF-8, लेकिन UTF-8 नहीं है, 16 है। ये रहा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो UTF-16 इस्तेमाल करती है। अच्छा, UTF-16 जैसे कि नाम से जाहिर है 16 बिट का है, वो 16 बिट का मतलब 2 बाइट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर सेव करवाएंगे, तो उसमें वो कितनी जगह लेगा? 2 बाइट। ASCII 1 लेता था, ये 2 लेगा। अच्छा, 2 का मतलब है 65,000 कैरेक्टर इसमें है, ठीक है। 2 का मतलब क्या है? 65,000 कैरेक्टर इसके अंदर है। तो 65,000 कैरेक्टर में जो जितने भी दुनिया की जो मेजर कंट्रीज़ हैं, 200 कंट्रीज़ या 250 कंट्रीज़, उन सब की लैंग्वेजेस के कैरेक्टर मौजूद हैं इसके अंदर, और स्पेशल कैरेक्टर इसमें अंग्रेज़ी के सारे हैं, जो प्रोग्रामिंग में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इसके अंदर मौजूद हैं। इवन दो कि अब जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं, उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर उसमें ना आए कोडिंग के दौरान, ऐसा कीवर्ड्स तो सारे अंग्रेज़ी हैं, ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, स्क्वायर, तो ऐसी कोई चीज़ ना आए जो इसमें एग्जिस्ट ना करती हो। 65,000 शुरू के जो 65,000 हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि इमोजी में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली एक कैरेक्टर 2 बाइट का है ना, लेकिन एक कैरेक्टर थोड़ी होता है, फिर वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर 1 से 2 होता है ना, तो 2 मिलियन हो जाते हैं एकदम, 1 मिलियन से 2 मिलियन हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अल्टीमेटली, तो इसका ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इससे भी नीचे जाना चाहते हैं लोग, ASCII में जाना चाहते हैं, लेकिन ASCII में बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो जदीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कुछ मैंने क्या ओपन कर दिया,
अच्छा तो अगला हमें अब क्या पढ़ना था? अच्छा इसमें किसी का कोई सवाल अभी तक जो मैंने ये बात बताई? किसी का कोई सवाल तो नहीं है इसमें? सी शार्प में कौन सा यूटीएफ कौन सा चलता है उसमें? सवाल नहीं समझ आ रहा, खड़े हो बोलो। यूटीएफ 8 इसका पुराना वर्जन है, मतलब यूटीएफ 8 एक बाइट लेगा। यूटीएफ 8 जो है ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये यूटीएफ 8 यूज़ हो रहा है इसके अंदर, देखो अभी मैं वीएस कोड में जब जाऊँगा ना, वीएस कोड मैंने जब खोला तो यहाँ तुम नीचे नोट कर रहे हो, ये लिखा हुआ आ रहा होता है, ये नीचे की पट्टी में लिखा हुआ आ रहा होता है कि UTF-8 इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ ना, इस वक्त जो लिख रहा हूँ फाइल में, ये जो हार्ड ड्राइव में सेव होगी ना, ये प्रोग्रामिंग की फाइल, ये UTF-8 में सेव होगी, ठीक है? क्योंकि सर्टनली अभी मैं चाइनीज़ तो नहीं लिखूँगा ना फिलहाल इसमें। अगर मुझे चाइनीज़ लिखना होगा, मैं इसको क्लिक मारूँगा यहाँ पर, और क्लिक मार के मैं इसको चेंज कर दूँगा, 16 कर दूँगा, सही है? तो ये वाला सीन है। तो ये फाइल इस वक्त जो मैं लिख रहा हूँ, ये UTF 8 में सेव हो रही है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना इंटरनली कहीं ना कहीं ये मैकेनिज्म होगा कि वो पूरी फाइल को देखेगा, अच्छा यार इसमें कोई चाइनीज़ वाइनीज़ के कैरेक्टर नहीं है, तो वो उसको 8 में ही करता होगा सेव, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो V8 का इंजन है वो बहुत फास्ट है, तो उसमें इस तरह की डायनेमिक चीज़ें होंगी इंटरनली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें हम तो वो देखेंगे फिलहाल, डॉक्यूमेंट पे यही है कि UTF 16 उसमें लगा हुआ है। नहीं बताना नहीं पड़ेगा, ये सब पहले से, हाँ बिल्ट इन है ये। अच्छा तो अब हमने, हम कंप्यूटर असल में ईजाद कर रहे हैं ना अभी कंप्यूटर हम बना रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये तरीका भी आ गया कि वेरिएबल में टेक्स्ट को सेव किया जा सके। अच्छा अब इसमें इनिशियल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी उसमें कोडिंग भी बाइनरी में होती थी, सही है? कोडिंग भी किस में होती थी? बाइनरी में ही होती थी। तो फिर लोगों का ख्याल था कि दुनिया में शायद चंद ही लोग ऐसे होंगे गिनती के जो कंप्यूटर को सही तरह इस्तेमाल करना जानते होंगे, ठीक है? बाकी लोग कंप्यूटर से दूर ही रहेंगे, लोगों का ये ख्याल था शुरू में। तो अच्छा शुरू में कंप्यूटर भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे, क्योंकि एक एक बिट जो है ना वो बाकायदा इतने बड़े बड़े फिजिकल बिस्किट्स में से थे, एक एक बिट इमेजिन कर सकते हो? अभी तुम्हारे पास जो 4GB की मेमोरी है ना, 4GB की मेमोरी है, वो उस ज़माने में जब पहली बार बनाया होगा लोगों ने, तो 4GB की मेमोरी ना ये चारों रूम में ऐसे लगाते होंगे फिक्स करके, और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज उसको दिया जाता था उसको कैरी करने के लिए। जाहिर है एक बिट ऑन है ना, उसको ऑन रखना है, तो उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज उसको देते थे। इवन दो कि आपके पास जो कुछ अरसे पहले तक टीवी इस्तेमाल होते थे, घरों में जो टीवी इस्तेमाल होते थे, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज पता है क्या होता है? 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पे चलते थे वो टीवी। आप तो देते हैं 220, लेकिन उसके अंदर एक वो चॉपर लगा हुआ होता था, वो उसको 11,000 पे कन्वर्ट करता था, और वो पिक्चर ट्यूब जो होती थी ना बड़ी सी, जो वो 11,000 वोल्टेज पे चलती थी, जो CRT मॉनिटर होते थे ना। दिखा भी देता हूँ किसी को, अगर मतलब किसी ने ज़िंदगी में पता चला देखा ही ना हो, ये पूरा ये वाले जो मॉनिटर होते हैं ना, या इस तरह की जो टीवी होती है ये वाली, इसका हाँ कैथोड रे ट्यूब जो है ये, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 11,000 वोल्ट होता है, सही है? यहाँ पे छोटा सा एक चॉपर लगा हुआ होता है, ये जो इस पर लगा हुआ है ना, ये स्टेथोस्कोप, ये जिस जगह से जाके कनेक्ट हुआ हुआ है, इसके अंदर 11,000 वोल्टेज होते हैं। लोग मरे भी हैं इससे बहुत सारे ना, इसको सही करते हुए, क्योंकि जाहिर है वो चार्ज कुछ ना कुछ सेव हो जाता है, तो वो मैकेनिक जब उसको टेस्ट करते हैं वो वापस निकालते हैं, और हल्का सा टच हुआ बंदा हॉस्पिटल में, सही है? तो बड़े ख़तरनाक ये हुआ करते थे। तो अब जाके ये हुआ है कि भाई 12 वोल्ट से चल रहे होते हैं, मतलब अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप है जितने भी सारे HP के, डेल के, एप्पल के, इनका जो चार्जर होता है वो 15 वोल्ट का होता है, 18 वोल्ट का होता है, उससे ज़्यादा इसको चाहिए नहीं वोल्ट, ठीक है? तो उस ज़माने में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे बहुत, फिर मेन फ्रेम्स जो थे। अच्छा कंप्यूटर किसी ने ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था, ये बाय द वे कैसे हम घर में कंप्यूटर लेके बैठे हुए होंगे सामने, ठीक है? वो तो मैथमेटिकल, वो ये साइंटिस्ट के लिए बना था, ये कि साइंटिस्ट होते हैं उनको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी करें वो, तो ये उस टाइम की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांजिस्टर छोटे होते चले गए, अभी 5 नैनोमीटर पे हम आ चुके हैं, इस वक्त जो नए वाले लैपटॉप जितने भी हैं वो 5 नैनोमीटर पे आ चुके हैं, 5 नैनोमीटर का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है?
तो मतलब है कि 1.5-2 इंच के अंदर पता नहीं कितने मिलियन आ जाते हैं, और 1.5-2 इंच का ही होता है प्रोसेसर आजकल, तो उसमें पता नहीं कितने मिलियन ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, और तो जितने मिलियन ट्रांजिस्टर आते हैं उतने GB, सही है। रैम आपकी शायद 5-6 इंच की होती है, ठीक है, तो रैम पे इतना ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, वो 5 नैनोमीटर पे नहीं आया, वो थोड़ा अभी ज़्यादा ही है, 20-25 नैनोमीटर पे ही चल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। वेल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उसको छोटे से छोटा करते चले गए, और आज हमारे सामने ये कंप्यूटर मौजूद है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ये हाई लेवल की जो बनी है, जिसमें हम बोलते हैं ना इफ़ अगर ये है तो ऐसा करो, ब्रैकेट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले सी लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, उसको इसीलिए कहा जाता है, जो लोगों ने सी अगर पढ़ी हुई है किसी ने और वो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उनको लगेगा शायद ये वही है, पूरा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है ये जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसीलिए उसको कहा जाता है। उससे पहले जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी सी लैंग्वेज से पहले, तो वो लो लेवल होती थी, जिसको असेंबली भी थी उसमें, एक और पता नहीं कोबोल वो बोल करके क्या था, बहुत सारे, तो उसमें हेक्साड अभी भी बल्कि शायद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया जाता है, असेंबली लैंग्वेज इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज कहलाती है, वो बाइनरी से थोड़ी ऊपर होती है लेकिन वो ऑलमोस्ट बाइनरी के करीब करीब होती है, हेक्साड एसएमएल में उसको लिखा जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते भाई ये हम इस दौर में पहुंच गए, इस वक्त कंप्यूटर हर बंदे के पास मौजूद है, हर कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है ऑलमोस्ट, और कंप्यूटिंग पावर हमारे पास इतनी है कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले शायद इस लेवल के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर माना जाता था, ठीक है, और जिसके पास होता था वो कंप्यूटर वो या तो गवर्नमेंट इदारों के पास होता था या तो साइंटिस्ट के पास या तो किसी बड़े रिसर्च सेंटर में होता था, इस लेवल के कंप्यूटर आज से 10 साल पहले, ठीक है, अब हमारी जेबों में मौजूद है। तो अब कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक मेथोलॉजी है, किसी ने एक चार्ट बनाया हुआ है कि हर साल कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग पावर है वो पहले से डबल हो जाती है हर साल, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है कंप्यूटिंग पावर। तो इसका मतलब ये है कि इस साल अगर मेरे पास नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में 8 GB है तो अगले साल मेरे पास मोबाइल में 16 GB रैम होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ठीक है, पता नहीं हर साल या हर 2 साल ऐसे कुछ है, वो देख लीजिएगा आप गूगल करके, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है कंप्यूटिंग पावर। तो आप इमेजिन करें कि अगले 10 सालों में या अगले 20 सालों में या 25 सालों में ये कंप्यूटर जो है हम अपने बच्चों को इसी तरह बता रहे होंगे जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यार हम जब सैलानी में कोर्स कर रहे थे, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, आज तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त हमारे पास जो कंप्यूटर होते थे ना लैब में वो 1.25 लाख के कंप्यूटर थे, ये 1.25 लाख के कंप्यूटर हैं खरीदे हुए बॉक्स पैक, और इसके अंदर जो है ना वो 16 GB रैम थी सिर्फ, और इसके अंदर जो है वो सिर्फ i7 का प्रोसेसर था क्वाड कोर सिर्फ और हम ऐसे एक मॉनिटर होता था हमारे सामने, उस वक्त हम मॉनिटर यूज़ करते थे, ऐसे एक सामने हमारे एक था ग्लोइंग रेक्टेंगल, उसमें बत्ती जल रही होती थी अंदर, रेक्टेंगल होता था तो उसमें हमें दिखता था आउटपुट, ठीक है, तो बच्चे कहेंगे अरे ऐसा होता था। अब हम आगे किधर मॉनिटर को रिप्लेस करेंगे, क्या क्या आएगा मॉनिटर को रिप्लेस करके, हाँ VR आएगा ऑफ कोर्स या AR आएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी, कि आप कोई भी कंप्यूटिंग करेंगे वो आपके सामने ही चल फिर रहा होगा, ठीक है ना, यही होने वाला है। और ये जो प्रोसेसिंग पावर है हमारी, ये जो सामने हमने लैपटॉप रखा हुआ है, ये कहाँ जाने वाला है, इधर आने वाला है, आपने ऐसी एक चश्मा लगाया होगा, उस चश्मे के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग पावर होगी, आप सोचेंगे और होगा वो, और आउटपुट उसका या तो आपको यहीं पे कोई स्क्रीन होगी शायद मे बी, ये आपके सामने ही चलता फिरता आपको दिख रहा होगा, ये होगा फ्यूचर का कंप्यूटर आज से 20 साल पहले, ऐसा मुझे लगता है यही होने वाला है। कीबोर्ड की जगह वॉइस होगा, और वॉइस का जो नेक्स्ट वर्जन है वो ब्रेन इंटरफेस है, अभी तो नहीं है लेकिन आज से 10 साल बाद तो यही है, अब नहीं हो तो अभी भी गया है ये, भाई दादा हो तो ये अभी भी गया है। आप अगर गूगल असिस्टेंट की डिवाइस आपने देखी है, गूगल असिस्टेंट की डिवाइस मेरे घर पे है, वो डिवाइस शुरू में तो जब आई थी बड़ी डम थी वो हम लोग उससे मस्तियाँ करते थे घर पे,
ठीक है, लेकिन अब वो बड़ी चालाक हो गई है, अब उसको कोई भी सॉन्ग पता चल जाता है, टाइम वगैरह पूछ लो उससे, उसको पता है वेदर, पता है उसको सब चीज़ें, पता है ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता है उसको। स्मार्ट होम से कनेक्ट हो जाता है वो, क्या कहते हैं, बत्ती बत्ती उससे ऑन ऑफ करवा लो, तो ये ऑलमोस्ट हो गई है ये चीज़ें। फिर जो ये AR वाला जो है ना, AR और VR, इसके हेडसेट भी आ चुके हैं, बस ये आपस में कनेक्ट होना बाकी है इनका। हो इंडिविजुअली तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपस में कनेक्ट होना बाकी है उसका सिर्फ। इस वक्त एप्पल वॉच के अंदर भी सीरी आ गया है गलबन, एप्पल वॉच में ना आप हे सीरी बोलेंगे वो सुनता है। तो कंप्यूटिंग पावर नहीं है बस उसके अंदर, थोड़ी ज़्यादा होगी ना कंप्यूटिंग पावर जब इस लैपटॉप जितनी हो एटलीस्ट, के 10 कोर का प्रोसेसर हो और 16 GB रैम हो इसके अंदर, और पावर सोर्स कोई ऐसा हो उसका कि चले पूरा दिन चले। अभी तो क्योंकि वो बहुत छोटी सी बैटरी है उसमें, वो पूरा दिन नहीं चलती है अभी, अगर उसको आप कंटिन्यूसली यूज़ करें तो 2-3 घंटे में ठंडी हो जाती है। तो और वो कनेक्ट हो, ये VR के हेडसेट्स हैं मेरे, या VR के प्रोजेक्टर भी आजकल आए हुए हैं, जो गूगल का जो IO हुआ था उसमें जो वो AR VR जो दिखाते हैं ना, वो असल में प्रोजेक्शन करके दिखाते हैं। एक तो ना आपने चश्मा लगाया है आपको ही दिख रहा है, एक प्रोजेक्टर है कि सबको दिखेगा, वो रूम में बैठे हुए जितने लोग हैं तो वो उससे दिखा रहे होते हैं। एक बल्कि दुबई में एक वो भी है, कोई म्यूजियम में पता नहीं क्या है, उसमें वो AR VR से ना बिल्कुल रियल चीज़ क्रिएट करते हैं, आपके सामने लगेगा शेर आप पे हमला कर रहा है, ऐसे ऐसी फीलिंग आती है। और वो एकदम समुंदर बन जाएगा, वो मछलियाँ कूदने लग जाती हैं, फिर वो समुंदर हट जाता है, फिर जंगल आ जाता है, आपको लगेगा आप जंगल के बीच में खड़े हैं। वो तीन प्रोजेक्टर होते हैं, तीन साइड पर लगे हुए होते हैं, वो तीनों ऐसे लाइट मारते हैं, वो आपस में टकराती है और पिक्चर ड्रॉ हो जाती है। और है होलोग्राम टेक्नोलॉजी, ये बड़ा अच्छा आपने नाम बताया। तो होलोग्राम लिखोगे ना साथ में दुबई शो लिखोगे तो वो आ जाएगी वीडियो, बड़ी फेमस है वो वीडियो, लोग बड़ा जाते हैं वहाँ पर। दुबई वालों के पास ये एंटरटेनमेंट ही करते हैं, वो नई नई चीज़ें निकालते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपस में कनेक्ट होना बाकी है, बाकी तो मेरे ख्याल है और कोई इसमें वो नहीं है। तो अब ये फ्यूचर है हमारा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था आपसे कि आप सल्लम की एक हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जूती का दसमा भी इंसान से बात करेगा। तो इंसान से बात करेगा, ज़रूरी नहीं है कि बोल के बात करे, ब्रेन इंटरफेस भी हो सकता है, या तो बोल के बात करे। और इसी का नेक्स्ट लेवल है ब्रेन इंटरफेस, जो अभी जाहिर है उसका 1% आया मार्केट में, अभी ये तो ऑलमोस्ट 50% आ चुका है वॉइस वाला। ब्रेन इंटरफेस 1% है, न्यूरोलिंक बना रहा है एलॉन मस्क, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आया, मतलब अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला कि उससे आप करेंगे क्या। अभी बस उसमें ये है कि आप सोचते हैं और लैंप जल जाता है, अभी इतना तक उन्होंने कर लिया, अब आगे वो क्या करेंगे। कल मैं रात को बैठा हुआ बल्कि ये सुन रहा था इसका, एलॉन मस्क का एक पॉडकास्ट, नमाज के 2 मिनट भेजता हूँ। तो एलॉन मस्क का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था बैठ के, तो वो कह रहा था कि यार AI बड़ी ख़तरनाक है और ये वो सारी। तो उसने कहा यार मैंने सब लोगों को बोला था AI पे काम नहीं करें, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो कह रहा है यू कैन नॉट बीट इट तो यू ज्वाइन इट, तो मैंने ज्वाइन कर लिया क्लब। तो कह रहा है कि AI इतनी फास्ट होने वाली है कि ह्यूमन की वैल्यू क्या रहेगी फिर। तो कह रहा है कि मैं जो न्यूरोलिंक बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि ह्यूमन को इक्विप करूँ AI के साथ। कह रहा है कि आपके पास लैपटॉप होता है, एक बंदा है जिसके पास लैपटॉप है सामने और जिसके पास नहीं है, इन दोनों की पावर में कितना फ़र्क है। लैपटॉप या स्मार्टफोन, आप गूगल करके किसी भी सवाल का जवाब यूँ निकाल सकते हैं 2 मिनट में, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप 2 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं घर जाऊँगा तो किस रास्ते से जाना है फ़ौरन बता देता हूँ मैं, मतलब ये शायद आज से 50 साल पहले अगर ये बातें कोई बता रहा होता तो हम कहते हैं ये कोई जेन्युइन है, या तो पागल समझते, या तो उसको कोई बहुत बड़ा वली समझते, कुछ ना कुछ समझते, वायरल नॉर्मल बंदा नहीं समझते उसको। तो ये पावर एक लैपटॉप जिसके सामने है ना उसकी ये पावर है इसको, ठीक है। वो ये बता सकता है कि फलां कंट्री में सेब कितने रुपए किलो बिक रहे हैं, अभी गूगल करूँगा पता चल जाएगा। फलां कंट्री में जो रेलवे सिस्टम है उसका टिकट कहाँ से मिलेगा और किस मिलेगा, और यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से चीज़ खरीद के यहाँ मंगवा लेना, इतनी पावर है। कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हो तो क्या पावर है आपकी। कह रहे हैं जब AI आ जाएंगे, AI की दुनिया होगी और AI हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होगा, तो फिर इंसान की क्या वैल्यू रहेगी। कह रहा मैं इसलिए इक्विप कर रहा हूँ AI वाला, AI पावर्ड ह्यूमन होंगे न्यूरोलिंक आने के बाद। तो न्यूरोलिंक जो है वो असल में यही कंप्यूटर है, सब कुछ यही है, लेकिन वो आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी चिप है, वो डल जाती है अंदर और आप ब्रेन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं उससे। तो अभी लेकिन हुआ नहीं है, शायद उसको 4-5 साल 10 साल और लगेंगे अभी, ठीक है। तो जब वो आएगा तो इंशाल्लाह उसका भी कोर्स करेंगे, बस मिल के सीखेंगे, सही है।
फिर सिखाएंगे भी फिर मिल गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो वाइटल है। हाँ, अगर कोई बंदा भी इसको ये समझ रहा है टेक्नोलॉजी को, ये बहुत वाजे बात है, हम रियलाइज़ नहीं करते। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेपन, AI इज़ अ वेपन। एक बोस्टन डायनेमिक्स करके कंपनी है, उन्होंने एक रोबोट बनाया, वो उनकी वीडियोस मौजूद है, बोस्टन डायनेमिक्स लिखेंगे आप तो आ जाएगा। वो ऐसे रोबोट्स उन्होंने बनाए हुए हैं जो आपकी शक्ल पहचानता है। आप पेड़ के पीछे भी छुप जाए ना, वो आपको पीछे जाके गोली मार के आएगा। उनकी वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो देखिएगा आप, इतने इंटेलिजेंट। आप इमेजिन करें कि इस तरह की AI अगर बन जाए कि वो आपकी शक्ल पहचाने और हज़ारों की तादाद में रोबोट दाखिल हो जाए आपकी कंट्री में और सिर्फ बंदों को मारें चुन चुन के, बाकी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं, तो ख़त्म कहानी सारी। AI इज़ अ वेपन, टेक्नोलॉजी इज़ अ वेपन। तो जो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं ना, हम असल में अपनी कंट्री को इक्विप कर रहे हैं। ये सोल्जर्स तैयार कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी फ़ौज को इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कुछ अरसे में, आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजी लोग जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी इक्विप में। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, ख़ास तौर पे AI की बात हो रही है कि AI तो सुप्रीम पावर है। अगर कोई भी ये समझ रहा है कि AI से सिर्फ क्लास में बैठे हुए बंदे गिन लो या कोई फेस रिकग्नाइज करके डोर ओपन करवा लो, ये यहाँ तक नहीं है मामला। मामला अभी बहुत एक्सट्रीम हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। मामला यहाँ तक पहुँच गए कि AI के ज़रिए किसी भी बंदे की प्रोफाइलिंग की जा सकती है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो कब कहाँ जाएगा, कब क्या ख़रीदेगा, कब कौन से रास्ते पर ट्रैवल करेगा, उसका अभी क्या दिल कर रहा है, अभी उसका क्या दिल कर रहा है, वो AI के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। आप YouTube खोलते हैं, जब करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, आप YouTube खोलेंगे ना, जो आपका दिल कर रहा होगा ना, आपको वही वीडियो दिखेगी। TikTok खोलेंगे आप, आपको ऐसी वीडियोस दिखाएगा वो, आप उसको स्क्रॉल करते ही चले जाएंगे, आपका नज़र हटाने का जो दिल नहीं करेगा। आप YouTube के शॉर्ट्स ओपन करेंगे, मेरे साथ हो रहा है ये आजकल, मैं रात को ऐसे लेटर चले यार YouTube के शॉर्ट्स देखता हूँ, शॉर्ट्स खोला, दो घंटे कब गुजरे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो मुझे ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो मुझे देखनी पसंद है, मेरे मतलब की चीज़ दिखा रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है, AI के ज़रिए। ठीक है, तो जल्दी से नमाज़ पढ़ के आ जाएँ, फिर हम अब पढ़ाई ये आगे शुरू करते हैं इसकी। अच्छा, वेरिएबल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, नंबर के वेरिएबल, स्ट्रिंग के वेरिएबल, अभी बूलियन हमने नहीं पढ़ा, और हमने एरे नहीं पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा, सही है, ये हम तीनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और मॉड्यूलस, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी अब बूलियन ही पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। अच्छा, तो 1 2 ये टॉपिक दोनों और ये 7, ये 9 टॉपिक्स टोटल हम पढ़ चुके हैं। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो अभी पूछ सकता है। अच्छा, फिर हम बूलियन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, सारे हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर का वेरिएबल है वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सही है, क्या है, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट वाले सब आ जाते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब एक ही है। हाँ, सी लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, और डबल के बाद क्या होता है, बिग इंटीजर। पढ़िए सी लैंग्वेज हमने। अच्छा, खैर, तो अब हम बूलियन देखते हैं कि भाई बूलियन क्या चीज़ है। कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, अब जो हमारा बूलियन है इसको हम कैसे बनाते हैं, वही है लेट और इज, अच्छा स्क्रिप्ट का मैंने टैग नहीं लगाया ना,
ये देख रहे हो, ये बूलियन वेरिएबल बन गया है। बूलियन वेरिएबल को बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू क्या आ सकती है एक वक्त में, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कोई तीसरी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इसमें कोई तीसरी वैल्यू भी स्टोर करूँगा ना, मैंने बोला कि भाई इज ओपन, इज ओपन इक्वल्स टू 23, तो जावास्क्रिप्ट में आपको पता है एक वेरिएबल पहले बूलियन का था, लेकिन ये करते ही है इसमें नंबर भी सेव हो जाएगा, मतलब ये मना नहीं करेगा आपको, लेकिन अब इसकी टाइप बूलियन नहीं रही, अब इसकी टाइप हो गई नंबर, ठीक है। तो हम ये खैर नहीं करेंगे, हम बूलियन जो बनाएंगे उसको बूलियन ही रखेंगे। कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि इस बूलियन वेरिएबल को मेमोरी में जब ये सेव होगा कितनी जगह ले सकता है ये, यानी या कितनी जगह मुझे रिक्वायर्ड होगी इसको मेमोरी में सेव करवाने के लिए, हैं कितने बाइट? चार बाइट, ये चार बिट, चार बाइट क्यों? टी आर यू ई, अच्छा दो बाइट या दो बिट, मिनिमम जो मुझे रिक्वायर्ड है वो एक बिट रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक ही बिस्किट है मेरे पास, वो जीरो है तो फॉल्स, वन है तो टू, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो एक बिट मेरे लिए काफ़ी है इस वेरिएबल को सेव कराने के लिए। वो मैं लिख रहा ट्रू फॉल्स हूँ ना, लेकिन अंदर तो वो जीरो वन पे चलता है, तो अगर मैं फॉल्स को जीरो कंसिडर कर लूँ और ट्रू को वन कंसिडर कर लूँ तो एक ही बात है। अच्छा बाय द वे, ये भी एक बात है कि ये ट्रू फॉल्स जो है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे अभी कंप्यूटर में जीरो वन जो हम पढ़ रहे थे, तो जीरो असल में फॉल्स है जीरो, और वन जो है वो ट्रू है। ये कंप्यूटर के अंदर इसको हम बोलते हैं जीरो वन, जो मुख्तलिफ दूसरी साइंस की फील्ड है ना, क्योंकि देखो साइंस की दुम आपस में जुड़ी हुई है, बायोलॉजी की दुम कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस की केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, फिर तो ये सारी ब्रांचेस आपस में इनकी दुम एक जगह पे आके जुड़ी हुई है, तो हर फील्ड में ना इसका अलग अलग नाम है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाई लो या नेगेटिव पॉजिटिव, इसको केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन असल में यही जीरो वन है, क्योंकि भाई इसके नीचे तो फिजिक्स चल रही है ना, और फिजिक्स के नीचे केमिस्ट्री चल रही है, जो सिलिकॉन है वो जो दरियाफ्त किया होगा वो किसी केमिस्ट ने किया होगा ना, केमिकल पे जो करता होगा, क्योंकि वो दैट इज़ अ केमिकल, और उसका फिजिकल नेचर क्या है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी देते हुए क्या भी? वो फिजिक्स फिजिशियन ने किया होगा किसी ने, फिर इसके ऊपर जो जीरो वन चल रहा है ये किसी मैथमेटिशियन ने बनाया होगा, तो सारी साइंस की दो आपस में जुड़ी हुई है। बायोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, बीट कहते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, हर चीज़ की एक बीट होती है ना, जो डॉक्टर आपकी चेक क्या करता है, बीट चेक करता है, नब्स में भी बीट होती है, हार्ट बीट तो बोलते ही उसको हार्ट बीट है, ब्लड जो ब्लड प्रेशर है वो भी एक बीट होती है असल में, ठीक है, ब्रेन से भी एक बीट आ रही होती है, तो बीट्स होती हैं एक्चुअली इसमें, या बीट होती है या तो नहीं होती है, ये होता है। फिर इसी तरह जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके और भी कई नाम है, जैसे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, या हाई लो भी जिसको कह सकते हैं आप, बैटरी के दो साइड जो होते हैं प्लस माइनस, वो यही होते हैं जीरो वन, तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद है, चीज़ एक ही है अंदर से। वेल, तो हमारे पास जो है ना ये बूलियन वेरिएबल आ गया। अच्छा, ये बूलियन वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं हम अब आगे? अब ये एक सवाल है ना कि ये इस्तेमाल कब और कहाँ होगा, ये इस्तेमाल कब और कहाँ होगा, तो इसका भी जवाब है। आ जाते हैं वापस हम, कहाँ गया वो हमारा, वो मैंने बंद कर दिया गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है इफ एल्स प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी इफ एल्स चलाते हुए ना बूलियन भी समझ आ जाएगा सारा, कि बूलियन का क्या चक्कर है। इफ एल्स जो है प्रोग्रामिंग के अंदर वो कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी गिवन कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, इस कमरे में कोई सेंसर है,
उससे पता लगाता है कि इस वक्त क्या इस रूम में कोई आदमी बैठा हुआ है। अगर उसको ये पता चलता है कि कोई आदमी है तो वो बत्तियों को ऑन रखता है, अगर उसको पता चल जाता है कि कोई आदमी नहीं है तो वो बत्ती को ऑफ़ कर देता है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ ह्यूमन इन द रूम तो ऑन कर दो, एल्स बंद कर दो बत्ती को। तो ये मैंने कंडीशन चेक की है सर। अच्छा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बहुत सारी कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, जैसे अभी अगर आपको पता होगा आते हुए, या मिसाल के तौर पे आपको 9 बजे क्लास लेने जाना है, तो क्या आपको अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए? इसका जवाब आपका यस या नो होगा ऑफ कोर्स, ठीक है? तो मोस्ट प्रॉब्ली यस होगा क्योंकि अभी बारिश हो रही है। ये तो ये आपने कंडीशन चेक किया, एक डिसीजन लिया आपने ये, ठीक है? इस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब कोई डिसीजन हमें लेना होता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है इफ़ और एल्स, ठीक है? कि इफ़ अगर ऐसा है तो ये कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ये कर दो, ये होता है। अच्छा, रियल लाइफ की और एग्जाम्पल बिल्कुल रियल हो जाते हैं ना। मिसाल के तौर पर मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, मैं ये कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए या नहीं? वेदर कैसे देखूंगा मैं? हाँ, खिड़की से झांक के भी देख सकता हूँ कि यार अच्छा बादल है तो हो सकता है हो जाए बारिश, या मैं वेदर ऐप में फोरकास्ट उसकी देखूंगा कि वेदर ऐप में फोरकास्ट में क्या बता रहा है ये। अच्छा, अब मैंने फोरकास्ट देखा कि मेरी 9 बजे क्लास है और 9 बजे ही बारिश है, क्या मैं अम्ब्रेला लेकर निकलूँ? अच्छा, 9 बजे क्लास है तो जाहिर है मैं 8:30 बजे निकलूँगा, तो इसका मतलब है रास्ते में जब मैं होऊंगा ना, आधे रास्ते में या बिल्कुल पहुंचने वाला होऊंगा तो बारिश स्टार्ट हो चुकी होगी, मैं गीला हो चुका हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे अम्ब्रेला लेके निकलना चाहिए? निकलना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं भी यही बोलने वाला था अभी। अब डिपेंड करता है कि अगर मैं मोटरसाइकिल पर आ रहा हूँ तो मैं मोटरसाइकिल चलाने के साथ साथ अम्ब्रेला तो नहीं पकड़ सकता। रेनकोट, अगला देखो कैसे डिसीजन ले रहे हैं ना जल्दी जल्दी। ऑन अ गिवन सर्कमस्टांसेस हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो हमने कहा कि इफ बारिश हो रही है तो हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन लेनी है बारिश से। अच्छा, फिर अगला इफ क्या है आपके पास कि कौन सी गाड़ी पे आप बैठ के जा रहे हैं? इफ अगर मैं कार में बैठ के जा रहा हूँ तो मैं अम्ब्रेला रख लूंगा कि भाई दरवाजा खोल के जब बाहर निकलूंगा तो अम्ब्रेला सीधा। एल्स अगर कार नहीं है, कार के अलावा कोई भी है, पैदल जा रहा हूँ या साइकिल पे या बाइक पे जा रहा हूँ, तो फिर मेरे पास अम्ब्रेला का ऑप्शन नहीं है। एक और इफ लग गया ये, ठीक है? तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा अदर ऑप्शन जो है वो रेनकोट है, वो पहनूंगा। अच्छा, अब मैं रेनकोट पहन के निकल गया, अब रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई, अब मुझे क्या, मैं आधे रास्ते में हूँ, क्या मुझे चले जाना चाहिए इंस्टीट्यूट या मुझे वहीं से रिटर्न हो जाना चाहिए? एक डिसीजन लेना है मुझे, क्या इफ है इसके अंदर? देखो कितने सारे इफ है इसके अंदर, डिपेंड करता है कि मैं कितना दूर हूँ इंस्टीट्यूट से। अगर मैं थोड़ा सा ही दूर हूँ तो मैं चला जाऊँगा, इफ इफ आई एम नियर बाय यानी 2 किलोमीटर दूर हूँ अगर तो मैं चला जाऊंगा। अगर बारिश रास्ते में इतनी ज़्यादा हो गई कि पानी कमर तक आ गया तो अब क्या मैं वापस जाने का भी ऑप्शन है मेरे पास? नहीं, अब मेरे पास वापस जाने का भी, मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रुकना पड़ेगा और मुझे शेल्टर लेना पड़ेगा कोई ऊंची जगह पे, ठीक है? कितने सारे एफ हैं, मतलब बारिश तो तेज़ हो रही है लेकिन वापस जाऊंगा तो भी तो तेज़ हो रही है ना, फ़ायदा तो नहीं है वापस मोड़ने का। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिसीजन और भी है कि ये कितनी देर तक होती रहेगी तेज़। अगर तो 5 मिनट के लिए तेज़ हुई है फिर तो मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊँगा, 5 मिनट दोबारा चले जाऊँगा, मैं वेदर ऐप निकालूंगा, मैं देखूंगा अच्छा यार फोरकास्ट जो है वो अगले 1 घंटे का या अगले 5-10 मिनट का, तो मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, मल्टीपल डिसीजंस लेता जा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो
अगर तो 5-10 मिनट का, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां पे और मैं मैसेज भी मार दूंगा ग्रुप में कि भाई बारिश तेज हो रही है लेकिन 10-15 मिनट की बारिश ही है, तो सब लोग साइड पे हो जाए और क्लास अपने टाइम पर होगी, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि बारिश अगले 24 घंटे का फोरकास्ट है, कि कंटिन्यू अभी जो 14 अगस्त वाले दिन पूरे 24 घंटे का फोरकास्ट था, वो हुई नहीं बारिश, थोड़ी थोड़ी हुई लेकिन पूरे 24 घंटे का, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं बोलूँगा कि यार अगर स्टूडेंट पहुँच गया तो वापस कैसे जाएंगे वो, तो क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी, ज़रूरी है क्लास कैंसिल करना। तो बहुत सारे डिसीजंस ले रहा हूँ मैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने क्लास कैंसिल करवा दी क्योंकि 24 घंटे का फोरकास्ट था, अब मुझे वापस जाना है, ठीक है। तो वापस जाने के लिए मैं कौन से रास्ते से जाऊँगा? क्या मैं जिस रास्ते से आया था उसी से जाऊँ या कोई दूसरा रास्ता लूँ? कैसे ये डिसीजन लूँगा मैं? हाँ, सही रास्ता होगा तो वहीं से चले जाएंगे, अगर सही नहीं होगा या मुझे कोई शक हुआ कि यार ये तो ट्रैफिक यहाँ पे हो गई होगी जाम, कोई दूसरा। तो ये डिसीजन मैं कैसे लेता हूँ आमतौर पर डेली बेसिस पे कि मैं कौन से रास्ते से जाऊँ? गूगल मैप से लेता हूँ, ठीक है। मैं शेल्टर में हूँ ना, मैं गूगल मैप देखूंगा कि अच्छा कौन सा रास्ता क्लियर है, सब गूगल मैप बता देता है रियल टाइम में आपको, मैं उस रास्ते से चला जाऊँगा वापस, क्योंकि मुझे पता है बारिश है, लोगों की बाइकें बंद हुई भी होंगी, गाड़ी बंद हुई भी होगी, रोड पर ट्रैफिक खड़ा हो जाता है, जाम हो जाता है। तो देख रहे हो कितने सारे डिसीजन ले रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्लास में आते ही डिसीजन लिया था, मैंने क्लास में आते ही क्या पूछा था कि यार नमाज कितने बजे होती है, तो मैंने देखा है मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, तो मैंने वो टॉपिक शुरू इस तरह किया कि मैं आधे घंटे में ख़त्म कर लूँ अगला टॉपिक। मैंने अब मेरे पास, मुझे अभी भी पता है कि मेरे पास आधा घंटा है, 15 मिनट बचे हैं अभी आधे घंटे में से, तो मैंने वो टॉपिक शुरू किया है, पहले ही मुझे पता है कि मैं, मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो ये भी डिसीजन था। डेली बेसिस पे इंसान हजारों की तादाद में डिसीजंस ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, हर बंदे की कैपेसिटी होती है, इंसान दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन ले सकता है अच्छे से, जब उतने डिसीजन ले लेता है ना बंदे का दिन पूरा हो गया, अब उसके बाद जब वो डिसीजन लेगा ना वो बोंगियां मार रहा होगा, ठीक है। जैसे आपने पता नहीं ये नोट किया हो या ना किया हो कि ये जो हमारा मार्क जिंगर बर्गर है, फेसबुक का ऑनर, ठीक है, जिंगर बर्गर कहते हैं उसको, है भी घोड़ा बचुकड़ा सा है ना, जिंगर बर्गर जैसा, उसको आपने देखा होगा, वो जहाँ भी जाता है ना एक ही कपड़ा पहना हुआ होता है उसने, एक ही टी शर्ट और एक ही पैंट पहन के घूमता रहता है पूरी दुनिया में, बड़े से बड़ा इवेंट हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, कपड़े चेंज नहीं होते उसके, वही रहता है। मार्क जकरबर्ग को नहीं जानते? ये फेसबुक का जो मालिक है, फेसबुक जिसकी कंपनी है, हाँ, फेसबुक का जो सीईओ है, एक ही कपड़े पहनता है। अच्छा, ये सारे लोग बाय द वे कॉपी करते हैं स्टीव जॉब्स को, स्टीव जॉब्स इनका यानी गॉड की हैसियत रखता है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर की इंडस्ट्री के अंदर गॉड की हैसियत है स्टीव जॉब्स की, मतलब पूजा करते हैं लोग इसकी, ये मैं लिटरली बता रहा हूँ कि स्टीव जॉब्स रोल मॉडल है बहुत बड़ा, मतलब वो जो करिए आज तक, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने किया। बिल गेट्स भी बहुत बड़े तीर मारे उसने, लेकिन इनोवेशन डिज़ाइन जो स्टीव जॉब्स कर गया वो किसी ने भी नहीं किया। तो स्टीव जॉब्स ने भी यही किया हुआ था, उसने एक ही ड्रेस बनवाया हुआ था, हाई नेक, लंबी गर्दन वाली हाई नेक बनाई हुई थी और एक पैंट थी। आप जितनी भी उसकी वीडियो देखेंगे, जितनी भी फोटोज़ देखेंगे, एक दो शायद हैं जो बहुत पुरानी, क्योंकि ये हरकत उसने की थी एप्पल कंपनी के में आने के बाद, उससे पहले ये नहीं किया था उसने। तो उससे पहले की जो वीडियोज है उसमें तो वो डिफरेंट आपको ड्रेसेस में दिखेगा, लेकिन वंस वो एप्पल में आने के बाद जब उसने ये डिसीजन ले लिया ना कि अब मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, तो एक ही कपड़ा ना उसने पता नहीं 100, 200, 500 उसके बनवा लिए थे सूट, एक डिज़ाइनर हायर करके ना, अच्छा सा वर्ल्ड क्लास का डिज़ाइनर हायर करके उसने ये रिसर्च की अपने ऊपर कि कौन सा ऐसा कपड़ा है जो मैं हर मौसम में मुझे कंफर्टेबल रहे और मनूवरेबल हो, मैं हर तरह से मूव कर सकूं उसको पहन के और मेरे पे लगे भी अच्छा मेरी पर्सनैलिटी पे। तो ये सब सोच समझ के ना डिज़ाइनर के साथ मिल के बैठ के एक सूट तैयार किया उसने, एक ड्रेस तैयार किया उसके, उतने 500 पता नहीं कितने बनवा लिए कि वो मरने के बाद भी उसके पता नहीं कितने पड़े हुए होंगे उसके घर में तो वो उसी को पहनता रहता था घुमा घुमा के। क्यों, वजह क्या थी? टाइम एक तो बचता है, हाँ, जो क्योंकि इंसान
दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन ले सकता है भाई, अनलिमिटेड नहीं ले सकता। लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन है तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले जब ये सोचेंगे ना यार मैं क्या पहनूं, तो एक डिसीजन आपका यही पूरा हो गया यही पूरा हो गया एक डिसीजन, ठीक है। फिर आप पहनेंगे, फिर आप देखेंगे यार क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा भी हूँ या नहीं लग रहा हूँ, अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखेंगे एक बार आप, तो ये दूसरा डिसीजन भी गया तो मोस्टली अब आपको समझ में आ गया होगा कि ख्वातीन इतनी बोंगियाँ क्यों मारती हैं, क्योंकि उनके सारे डिसीजन उठते ही पूरे हो जाते हैं सुबह ही कि आज मैं कैसी लग रही हूँ नहीं बहुत कॉन्शियस होती हैं ख्वातीन अपने लुक्स वगैरह को लेकर, तो मैं मेरा आज बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, तो सारे डिसीजन सुबह सुबह ही पूरे हो जाते हैं, बाकी दिन के लिए फिर अच्छा तो कहने का मकसद ये है कि स्टीव जॉब्स ने कहा भाई मैं एक डिसीजन ज़ाया क्यों करूँ अपना, ये मैं अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लूँगा ये जाके और कुछ पैसे वैसे बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, और टाइम की भी बात है, वो ड्रेस ऐसा था उसको इस्त्री विस्त्री प्रेस प्रेस नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँ जिसको प्रेस, भाई कपड़े मेरी खिदमत के लिए बने ना या मैं कपड़े की खिदमत के लिए बनाऊँ, मैं कपड़े की खिदमत करता रहा उसको प्रेस करूँ, तो मुझे मैं तो ऐसे कपड़े की तलाश में हूँ कहीं से मुझे मिल जाए कि उसको ना धोना पड़े ना उसको इस्त्री करना पड़े और बस वो उसको पहन लो और वो हो जाए, ठीक है। ऐसे कपड़े अभी तक मेरे ख्याल है नहीं मार्केट में, है वाटर प्रूफ तो है लेकिन वो फिर कंफर्टेबल नहीं है ना, वाटर प्रूफ कपड़े कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल जो है, फिर वाटर प्रूफ है वो कोई कोटिंग लगती है वो सेहत के लिए सही नहीं है। एक आपने देखा होगा बेडशीट वगैरह आजकल आई है, पानी गिराओ यूँ ऐसे हटाओ पूरा हट जाता है एक साथ ही, पानी रुकता ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं उसके, वो सेहत के लिए सही नहीं है वो, तो इसीलिए वो इतना अभी तक कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी कंपनी जाहिर है जब तक उसे पैसा नहीं लगाएंगी जब तक वो सिक्योर नहीं हो जाता, क्योंकि लोगों को पता है बड़ी कंपनी जब पैसे लगाएंगी मैसिव क्वालिटी में मार्केट में आएगा, लोगों के कंसर्न्स होंगे, फिर मीडिया उस पर बोलेगा कि यार ये इन्होंने बेचा इसमें ऐसा हो रहा है इसमें वैसा हो रहा है, तो वो उनका लगा हुआ पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो बड़ी कंपनी इसीलिए उसमें पैसा भी नहीं लगा रही। अच्छा, तो ये है वो इफ़ एल्स, कि यही सारे डिसीजन अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर लेने होंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं इफ़ एल्स का इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने रिसेंटली कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर की आपने ऐप बनाई, अब इस कैलकुलेटर की ऐप में अभी तो ये होता था कि आप एक सम का बटन था वो दबाते थे तो सम हो जाता था, फिर माइनस के लिए आपने पूरा अलग फॉर्म बनाया हुआ था, दो नंबर अलग लेते थे उसमें माइनस का बटन था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक ही इनपुट बॉक्स है मेरे पास, उसके बाद एक तीसरा इनपुट बॉक्स भी है कि प्लस करो माइनस वो भी लिख दूँ, मैं प्लस लिख दूँगा और फिर मैं एक बटन दबाऊँ सबमिट, तो जो प्लस लिखा हुआ तो प्लस हो जाए, माइनस लिखा हुआ तो माइनस हो जाए, डिवाइड लिखा हुआ तो डिवाइड हो जाए, तो ये काम कैसे होगा। इस पॉइंट पे मुझे डिसीजन लेना है असल में, ठीक है। मेरे पास तीन इनपुट फील्ड है, नंबर एक में एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर दो में एक साइन है प्लस माइनस मल्टीप्लाइड, नंबर तीन में एक दूसरा नंबर है और एक बटन है। जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे ये चेक करना होगा कि साइन इस वक्त कौन सा है, अगर साइन प्लस का है तो मैं इन दो नंबर को प्लस करके डिस्प्ले करूँगा, अगर साइन माइनस का है तो मैं इन दो नंबर को माइनस करके करूँगा। तो यहाँ पे इफ लगेंगे चार, चार इफ लगेंगे टोटल, है ना, इमेजिन कर रहे हो अभी फिलहाल, हम इमेजिनरी अभी समझ रहे हैं, तो चार इफ लगेंगे। सबसे पहला इफ क्या होगा, इफ साइन इक्वल्स इक्वल्स टू प्लस, कि अगर साइन प्लस के इक्वल है, ठीक है, या प्लस है तो क्या करो, दो नंबर को प्लस करो डिस्प्ले कर दो, अगर इफ साइन इक्वल्स इक्वल्स माइनस तो दोनों नंबर को माइनस करो और डिस्प्ले कर दो, फिर तीसरा इफ लगेगा इफ साइन इज मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर को का प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दो मल्टीप्लाई करके, इफ साइन इक्वल्स इक्वल्स डिवाइड तो दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। अच्छा, डिवाइड में एक इफ और लगेगा, डिवाइड जब आप करते हैं किसी नंबर को तो क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो अब मैं दो इफ लगाऊंगा यहाँ पे, इफ साइन इक्वल्स इक्वल्स डिवाइड, उसके इफ के अंदर एक और इफ लगेगा कि इफ सेकंड नंबर जो है, जो सेकंड वाला जो इनपुट है, एक तो फर्स्ट नंबर एक सेकंड, सेकंड नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सेकंड नंबर इज नॉट इक्वल्स इक्वल्स टू जीरो, तो फिर आप करेंगे ये काम। हाँ, इफ के अंदर इफ हर लैंग्वेज में लगा सकते हैं, सी के अंदर इफ एल्स इफ होता
नहीं नहीं इफ़ के अंदर इफ लग जाता है सी में, क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, अच्छा तो ये प्रोग्राम हम बना लेते हैं जल्दी से, जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे। आप सब लोग भी फिर घर से ये प्रोग्राम अपने हाथ से बना लीजिएगा। कंडीशन चेकिंग विद इफ, इफ एल्स लिख देता हूँ बल्कि। अच्छा यूज़र से इनपुट लेना तो हम सीख चुके हैं, बल्कि उसी से कोड कॉपी कर लेता हूँ ना मैं, यूज़र इनपुट से। जो यूज़र इनपुट लेना सीखा था ना हमने, वो पूरा फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ मैं। यही फॉर्म है ना पूरा, नम वन नम टू, यही तो कर रहा हूँ मैं कॉपी कर। रिजल्ट भी यही है, ठीक है। डू सम का पूरा फंक्शन भी यही है, इसी को ही कॉपी करूँगा। बॉयलर प्लेट कोड है ये, बार बार यूज़ होगा, सही है। तो ये मैंने यहाँ पर आके कॉपी कर दिया, इस पर ऊपर हेडिंग लगा देता हूँ मैं, एच वन कंडीशन चेकिंग विथ इफ एल्स, ठीक है। ये मैंने हेडिंग लगा दी, ये मेरे पास फॉर्म है, पहले दो नंबर थे, अब मेरे पास एक तीसरा भी नंबर होगा। ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया, उसके बाद बी आर, सही है। बी आर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन चेंज कर दो। मैंने कहा ऑपरेशन भी बताओ भाई कि क्या होता है। आई डी इसकी ऑपरेशन हो गई, इसकी वैल्यू हो गई टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के साथ साथ इसमें मैं प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ, प्लेस होल्डर लगा सकता हूँ कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये मैंने लगा, प्लेस होल्डर क्या होता है ये मार्कअप्स के अंदर आपने पढ़ लिया होगा ऑफकोर्स, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता भी जाऊँगा। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये पहले से लिखा हुआ होता है इसमें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना और कुछ लिखना शुरू करूँगा तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसे यूज़र को गाइड करने के लिए कि यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, कोई मैं नोट लगा सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर, सही है। मैं इसमें लिख देता हूँ कि भाई एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, कि भाई इसमें से कोई एक चीज़ एंटर करो। अच्छा ऊपर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ मैं, एंटर अ नंबर, और तीसरे वाले पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ मैं कि एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तीनों पे मैंने प्लेस होल्डर लगा दिया ताकि तीनों क्या हो जाए, बंदे को पता चल जाए अच्छा इसमें क्या एंटर करना है, ठीक है। जो सम लिखा हुआ था इसको मैं क्या करूँगा, अब सबमिट लिखूँगा अब मैं इसको, क्योंकि इसको प्रेस करने से सम नहीं होगा, हो सकता है माइनस भी हो जाए, डिवाइड भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब ये जो डू सम था इसमें फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर उठाता था ना मैं, अब मैं क्या उठाऊँगा, ऑपरेशन भी उठाऊँगा अब मैं। ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन दी ना इसकी आईडी, ठीक हो गया। ठीक है मैंने तीनों चीज उठा ली, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये सम वगैरह अभी नहीं करना, अब तो मुझे लगाना है इफ। सबसे पहले, सबसे पहले इफ में मैं क्या लिखूंगा, इफ ऑपरेशन इक्वल्स इक्वल्स क्या हो गया, प्लस अगर है तो, ठीक है। अगर ऑपरेशन इक्वल्स इक्वल्स प्लस है तो क्या करो, ये मुझे सजेशन दे रहा है, पूरा लिख दिया कोड इसने, खैर लेकिन हम पूरा इस तरह नहीं लिखेंगे। तो क्या करो, ये GitHub कोड को पायलट, लेकिन यार ये बंद हो गया था, ये पता नहीं कैसे मेरे पास आ रहा है। ये 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद ये बंद हो गया था, फ्री वाला इसका वर्जन, उसके बाद ये कह रहे थे $10 देना पड़ेगा आपको, लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है ये अभी तो। खैर हाँ, तीन इक्वल्स टू होगा, ये इक्वालिटी का ऑपरेटर है। अच्छा ये इक्वालिटी का, ये कंपैरिजन के जितने ऑपरेटर है ना, ये इंशाल्लाह अगला टॉपिक है हमारा, कि ये कंपैरिजन के कौन कौन से ऑपरेटर हैं, लेस देन इक्वल टू, सही है, ये ऑपरेटर सारे मैं लगा सकता हूँ। वेल अभी अभी इसको ऐसे ही समझें फिलहाल। हाँ दो दफ़ा नहीं है, तीन दफ़ा है। अच्छा अगर ऑपरेशन ये है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर ही इसको भी उठा लेता हूँ ना, लेट रिजल्ट रिजल्ट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और रिजल्ट, ये मैंने इसमें उठा के रख लिया, तो
तो मैंने उसको बोला कि रिजल्ट एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, दोनों का सम इसमें डाल दूंगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, सही हो गया। अच्छा ये मेरा पहला इफ कंप्लीट हो गया। अच्छा अगर ये इफ ट्रू नहीं होता है, अगर ये इफ ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, सही है, अभी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मैं एक इफ और लगाता हूँ अलग से, अभी अभी अलग अलग करते हैं, आसान वाला करते हैं। मैंने कहा ऑपरेशन इक्वल्स इक्वल्स, अगर माइनस है तो क्या करो, एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर ऑपरेशन जो है इक्वल्स इक्वल्स है मल्टीप्लाई के तो ये कर दो, सही है, डिवाइड किया तो ये कर दो, ठीक है, चारों में मैंने ये काम कर दिया। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या करो, अगर बंदे ने अपना नाम ही लिख दिया बीच में तो क्या करो, इनवैलिड ऑपरेटर बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये काम करना अगर मुझे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो इफ इफ मैं लगाता जा रहा हूँ ना, अगर इसमें से कोई भी इफ ट्रू नहीं होता तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे चेन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि बहुत सारे इफ होंगे उसके और एक एल्स होगा, ये चेन स्टेटमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर के आखिर में क्या कर दूँगा, मैं ऐसे एल्स इफ लगा दूँगा, सही है, इफ फिर एल्स इफ फिर एल्स इफ, ऐसे करके लगाऊंगा। सही है, समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहला इफ लगाया मैंने कि इफ ऑपरेशन इक्वल्स इक्वल्स प्लस। अच्छा इक्वल्स इक्वल्स के अलावा क्या क्या लग सकता है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो अभी है आ गया हमारा टॉपिक, लेकिन अभी फिलहाल इसको ऐसे ही समझें, ठीक है। अगर ये इफ ट्रू नहीं होता, अगर तो ये इफ ट्रू हो जाएगा तो ये इतनी ब्रैकेट को रन कर देगा, इतनी ब्रैकेट को रन करेगा, मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी नीचे किसी भी इफ को चेक नहीं करेगा। अगर अलग अलग होते ना तो सारे चेक होते, सही है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे में फिर अगर दो कोई भी मैच नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। अच्छा फिर अगला इफ चेक होगा, अगर पहला वाला ट्रू नहीं होता है तो अगला चेक होगा, वरना तो पहला इफ हो गया तो ख़त्म, फिर वहीं पे ख़त्म। दूसरा चेक होगा, अगर ट्रू हो गया तो यहीं पे ख़त्म, अगर ट्रू नहीं हुआ तो और आगे चेक होगा, फिर और आगे चेक होगा, अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो आखिर में एक एल्स में लगा देता हूँ, ये चलेगा, ठीक है। और उस एल्स में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई रिजल्ट में ये शो कराओ कि इनवैलिड ऑपरेटर है, ठीक है, ये समझ आया सब लोगों को कैसे हो रहा है ये। हाँ भाई जी, हाँ यहाँ पे ये प्लस जो मैंने लगाया ना, देखो जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमेशा हमें टेक्स्ट की फॉर्म में मिलता है, टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, सही है, बावजूद इसके कि यूज़र ने नंबर लिखा है, लेकिन मुझे मिलेगा तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बंदा कुछ भी लिख सकता है, इनपुट की फील्ड में तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस शॉर्टकट है इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। एक और भी तरीका बताया था मैंने कैपिटल एन से नंबर करके, सही है, वो लास्ट क्लास के कोड में आप देखिएगा वो मौजूद होगा। ये तुमने सही बात की, ऑपरेटर में तो ये नहीं लगेगा प्लस, करेक्ट, सही, ऑपरेटर में तो वो प्लस लगाऊंगा तो वो नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन में ये चीज़ नहीं लगेगी, थैंक यू मुझे करेक्ट कराने के लिए। अच्छा तो हाँ भाई सही है, क्लियर है ये चीज़ें जो यहाँ तक मैंने चीज़ करवाई है, इसको सब लोग अपने हाथ से एक दफ़ा करके ज़रूर देखना। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में ना हम ये जो इफ़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी तो हमने एक हेलो वर्ल्ड किया है इफ़ का, हम इफ़ को अगली क्लास में इतना लंबा कोड नहीं लिखेंगे, हम अगली क्लास में लिखेंगे सिर्फ तीन लाइन का कोड, और उस तीन लाइन में हम इंशाल्लाह इफ़ की एक एक प्रोज एंड कॉन्स, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को पढ़ेंगे कि इफ़ का ये जो ब्रैकेट है ये कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है, इसके बीच में क्या लिख सकते हैं,
क्या लिखने से चलेगा क्या लिखने से नहीं चलेगा, सारे डायनेमिक्स इसके हम कवर करेंगे। ये कोड लेकिन आप अपने हाथ से लिख लीजिएगा ज़रूर। अच्छा, अब एक इफ और भी लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था डिवाइड करते हुए क्या होगा, इसके अंदर एक इफ और लगेगा, ठीक है, और वो क्या होगा इफ, वो इफ ये होगा कि अगर सेकंड नंबर जो है, ठीक है, यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग विथ जीरो, अगर सेकंड नंबर जीरो है, सही है, तो इसमें क्या शो करना है मुझे, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, ये मुझे शो करना है, सही है, और अगर जीरो के अलावा कुछ भी है तो उसको डिवाइड कर देंगे जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये इफ का हमने आज हेलो वर्ल्ड कर लिया पूरी प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, रन भी कर देते हैं, चलो इसको। अच्छा, वैसे ड्राई रन हमने इतना कर लिया है कि ये पता तो चल गया होगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जस्ट टू वेरीफाई कि हम जो सोच रहे हैं क्या वैसा ही है, इसको हम रन भी कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं कॉन्सोल पे आ गया ताकि कोई भी एरर अगर आए तो मुझे कॉन्सोल पे दिख जाए। याद रखें, कभी भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करेंगे ब्राउजर, तो ये आपका कंसोल लाजमी खुला हुआ होना चाहिए ताकि आपको कोई भी एरर आए तो पता चल जाए, ठीक है। और ये सेटिंग के बटन पे जाके ना ये प्रिजर्व लॉग, इस पे चेक ज़रूर लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि पेज रिफ्रेश हो, कुछ भी हो, लॉग क्लियर नहीं होते, वरना बाई डिफॉल्ट क्या होता है, पेज रिफ्रेश होता है, लॉग खत्म हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि एरर क्या आया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा 23, सही है, और मैंने कहा माइनस, और मैंने क्या लिखा फिर 3, सबमिट, तो ये 20 आ गया। इसको प्लस कर दूंगा अगर मैं तो ये 26 हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये डिवाइड हो गया। डिवाइड करते हुए अगर सेकंड नंबर जीरो होगा तो कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो हो जाएगा। एक छोटे से प्रोग्राम में मैंने कितने सारे डिसीजन लिए, टोटल कितने इफ लगाए हैं मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 इफ लगाए हैं मैंने, और हर इफ का एक एल्स भी है जाहिर है, ठीक है। जो बाहर इफ लगा हुआ था लाइन से उसका एक एल्स था, ये जो सिंगल है इसका भी एक एल्स है कि अगर ऐसा है तो क्या करो, ऐसा अगर नहीं है तो फिर क्या करो। अच्छा, एल्स लगाना बाय द वे ऑप्शनल होता है, एल्स आप लगा दें तो ठीक है, नहीं लगाएं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन मोस्टली अब जैसा देखो ये जीरो अगर है, अगर जीरो है तो कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो दिखाना है, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो क्या करो, फिर तो डिवाइड करना है ना। तो आम तौर पे else की ज़रूरत पड़ती है आपको हर जगह, इफ़ के साथ हमेशा else की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन else लगाना ऑप्शनल है। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि else की ज़रूरत नहीं है तो आप ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, सिर्फ if लिखा हो तो भी चलेगा ये। अच्छा, तो ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि क्लास कोड, ठीक है, ये पुश हो गया। अच्छा, क्लास का जो कोड है उसकी रिपोजिटरी सब लोगों को पता है होपफुली, कोई ऐसा है जिसको कोड का एक्सेस नहीं है, क्लास में जो कोड लिखता हूँ मैं उसका एक्सेस ना हो किसी के पास, है कोई ऐसा? चलो वैसे फिर भी मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। github.com पे जाओगे, मेरा नाम लिखोगे, सही है, तो ये मेरी प्रोफाइल आ गई, बल्कि ऐसे अलग से जाके लिखोगे गूगल पे के इंजमाम मलिक और साथ में लिखोगे github, ठीक है, तो ये प्रोफाइल आ गई मेरी। इसके अंदर जाओगे github.com, अगर कोई भी बंदा ऐसा इस क्लास में बैठा हुआ है जिसका github.com पे अकाउंट नहीं बना हुआ या रिपोजिटरी नहीं बनी हुई तो प्लीज़ बना लीजिएगा, ठीक है। और शुरू के लेक्चर्स में मैंने उसको सिखाया भी था कि कैसे होता है, वो रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है यूट्यूब पे, उसको ज़रा देख लीजिएगा। अगर कोई बाद में इस क्लास में एंटर हुआ है या कोई ऐसा सिचुएशन है कि मिस कर दी थी कोई क्लास शुरू की। अच्छा, ये रिपोजिटरीज के टैब में गया मैं, और ये सैलानी AI चैटबॉट क्लास बैच 2, और ए भी लिखा हुआ है कि सेक्शन ए आपका, ठीक है, ये बैच 2 है, इससे पहले एक बैच हो चुका है। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये जो कोड जितना भी किया है अभी तक वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। आज हमने जो देखो ये बूलियन किया ना, बूलियन कंडीशन चेकिंग, ये इसके अंदर सब आ रहा है, ठीक है। कंडीशन चेकिंग में जाऊंगा, ये अभी अभी जो मैंने कोड पुश किया है वो सारा कोड इसमें आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोड सब लोगों को अपने हाथ से टाइप करना है, देख के लिखना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ये मेरी सजेशन है आपको। कोशिश कीजिएगा अपने हाथ से उसको टाइप करें आप, उससे क्या होता है जहन में बैठती है चीज़ आपके, कॉपी पेस्ट करके चला लेंगे ख़त्म सारा, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई इस तरह, ठीक है। और अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कोशिश कीजिएगा कि जब ये इतना कोड लिख लें आप तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें। क्या ऐसी चीज़ है और जो इस इफ़ को इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं अभी राइट नाउ,
क्या आप ये बता सकते हैं इफ को इस्तेमाल करते हुए, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक नंबर इवन है या ऑड है? बता सकते हैं? ठीक है, तो ये बनाकर लाइएगा अगली क्लास में, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें मैं एक नंबर लिखूं और मैं चेक का बटन दबाऊं तो मुझे वो ये बता दे स्क्रीन पे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, अब वो इफ के साथ कैसे होगा वो ये गूगल कीजिएगा। ठीक है, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी बने तो इतना तो बना लेना एटलीस्ट, इतना जो है ना जितना ही मैंने कोड लिखा है इतना अपने हाथ से लिख लेना। अगर अपने हाथ से कोड नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में। अच्छा बाय द वे एक चीज़ और बता दूँ आखिर में जाते जाते, ये गिटहब में मेरी प्रोफाइल में जाके ना यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा होगा, वो फॉलो सब लोग कर लेना। उससे फ़ायदा क्या होता है, कभी मैं कोड पुश करना भूल भी जाता हूँ तो मैं बाद में पुश करूँगा ना तो मोबाइल ऐप आप कर लेना, गिटहब की मोबाइल ऐप, उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोड पुश हो गया। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उससे ये होगा कि जैसे लास्ट क्लास की वीडियो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि यहाँ जो रिकॉर्डिंग हुई थी ना इस कंप्यूटर में तो बहुत ही वाहियात उसकी ऑडियो थी, तो अभी वो ऑडियो क्लीन करके फिर हम अपलोड करूँगा। तो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपने अगर सब्सक्रिप्शन होगी आपकी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।